आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जो कि खून को दिल से दूर लेकर जाती हैं। आर्टरीज हैव थिक एंड फ्लेक्सिबल वॉल्स। आर्टरीज की दीवारें मोटी और लचकदार होती हैं मोस्ट ऑफ दी आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बट पल्मोनरी आर्टरीज कैरी दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स ज्यादातर आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं यानी वो खून जिसमें ऑक्सीजन की मकदार ज्यादा होती है लेकिन पलमोनरी आर्टरीज जो कि फेफड़ों की तरफ जाती हैं दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब वो खून जिसमें ऑक्सीजन की मकदार कम होती है लेकर जाती हैं ताकि फेफड़ों में उस खून में ऑक्सीजन शामिल की जा सके आर्टरीज डिवाइड मैनी टाइम्स टू फॉर्म स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड थेपलरीज आर्टरीज तकसीम होकर छोटी नालियाँ बनाती हैं जिन्हें कैपलरीज कहते हैं कैपलरीज़ आर ब्लड वेसल्स इन दॉडी सबसे छोटी ब्लड ये साइज में इतनी छोटी होती हैं कि रेड ब्लड सेल्स जो की इनमें से गुजरते हैं एक वक्त में एक ही सेल गुजर सकता है फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड ऑफ थे डिफ्यूज इन टू दल्स ज में मौजूद खून में खुराक और ऑक्सीजन सेल्स में चली जाती हैं वेस्ट मटेरियल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स डिफ्यूज इन द ऑफ ऑफलरीज जबकि सेल्स में मौजूद फासद मादे और कार्बन डाइऑक्साइड कीज में मौजूद उसी खून में चले जाते हैं कीपलरीज अगेन ज्वाइन टू फॉर्म द लार्जर ब्लड वेसल्स कॉल्ड वेन्स ज दोबारा मिलकर बड़ी खून की नालियां बना देती हैं जिन्हें हम वेन्स कहते हैं आर द ब्लड वेसल्स ब्रिंग ब्लड ब्लड बैक टू द हार्ट वो वेसल्स होती हैं जो कि खून को दिल की तरफ वापस लाती हैं मोस्ट ऑफ द देंस ब्रिंग डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट ज्यादातर वेन्स डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब वो खून जिसमें ऑक्सीजन की मकदार कम होती है दिल की तरफ लेकर जाती हैं बट पल्मोनरी वेन्स ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू पल्मोनरी लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब वो खून जिसमें ऑक्सीजन मकदार में होती है फेफड़ों से दिल की तरफ लेकर जाती हैं और दिल उस खून को पूरे जिसम की तरफ पंप करता है स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आप समझ चुके होंगे इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब थैंक्स फॉर वॉचिंग मजीद वीडियोस देखने के लिए एफ सी स्कूल सरगोदा के नाम से मौजूद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अपलोड होने वाली हर वीडियो आपको टाइम पर मिल सके शुक्रिया